चलिए, वेरी गुड. मैं अंक ने ऑन किया कैमरा, गुड. मेरा बैंडविड्थ लो है मैम, बहुत ज्यादा, अच्छा चलो कोई बात नहीं. बीच बीच में आपकी स्क्रीन भी छोटी है, मतलब ऐसे हो रहा है, पता है। चलिए ठीक. तो वी वर डूइंग अबाउट ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. यस्टरडे वी हैड डेल अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन. ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन. ठीक है जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन. इसमें अगर जीनोटाइप इज ए तो डिजीज है पर्सन, क्योंकि डोमिनेंट है तो इट इज म्यूटेटेड एलील्स दोनों. अगर ये भी कंडीशन है इवन देन इट इज डिजीज, क्योंकि ए इज म्यूटेटेड एलील. ध्यान से इधर देखो बेटा, लिखना बात में, कैपिटल ए जो है, डोमिनेंट ए जो है वो म्यूटेटेड एलील है, इसलिए अगर वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में है या होमोजाइगस फॉर्म में है, दोनों फॉर्म्स में इट प्रोड्यूस द डिजीज, राइट. बट अगर ऑर्गेनिज्म ये है देन इट इज नॉर्मल एज ए इज म्यूटेटेड एलील एंड इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए दैट इज नॉर्मल और ओरिजिनल एलील. ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन, इसमें हम लिख सकते हैं दे एक्सप्रेस इन होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म. ठीक है जी, एग्जाम्पल ध्यान से पहले मेरी बात सुन लो फिर लिखना सारे. देन एग्जाम्पल इज, वन इज ए कॉन्ड्रोप्लेसिया, इट इज जेनेटिक ड्वार्फिज्म. ये पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका लेना देना नहीं है, ये कुछ और जीन्स है. इट इज जेनेटिक ड्वार्फिज्म इन विच लॉन्ग बोन्स डू नॉट ग्रो. और जो डोमिनेंट म्यूटेशंस है, ध्यान से मेरी बात सुनो, इसका एक और पॉइंट है दैट इट अकर्स इन प्रोजेनी इफ एनी वन पेरेंट इज अफेक्टेड. एक भी पेरेंट अगर अफेक्टिव है, इसमें नो कैरियर, कैरियर्स नहीं होते, सिर्फ दो ही फिनोटाइप्स है, या डिजीज है या नॉर्मल है, कोई कैरियर नहीं होता है, राइट. तो ए कॉन्ड्रोप्लेजिया जेनेटिक ड्वार्फिज्म. अनदर एग्जांपल इज, मैंने आपको बताया था
ओनली जेट चाहिए. इन दिस नंबर ऑफ फिंगर्स एंड टोज आर मोर देन फाइव. ठीक है, किसी की छह उंगलियां होती है, दोनों हाथ में है, दोनों पैरों में है. ठीक है, छह की जगह सात भी होती है, आठ भी हो सकती है. ठीक है, छोटी 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 छोटी. सो दिस इज पॉलीडेक्टाइल. एक और आ जाता है बेटा, ब्रैकीडेक्टाइल. कई बार पर्सन तो नॉर्मल है, उसकी हाइट नॉर्मल है, बस उसकी उंगलियां जो है, फिंगर्स है या टोज है, वो नॉर्मल से बहुत छोटे छोटे हैं. दैट इज ब्रैकीडेक्टाइल. दैट इज साइज ऑफ फिंगर्स एंड टोज आर स्मॉलर देन नॉर्मल. दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकीडेक्टाइल. एक मैंने बताया था आपको एनीरेडिया. एब्सेंस ऑफ आयरिस इन आई. आप ये देखो, जो हमारा डेला है आंख में, जो हम डेला कहते हैं, दैट इज आयरिस, राइट. और अगर किसी की आंख में आयरिस ही नहीं है, वो डेला ही नहीं है, तो क्या होगा, किस तरह से होगा, हमें इमेजिन करना मुश्किल है. बट दिस इज ऑल्सो ए जीन म्यूटेशन, राइट. अनदर इज, फिफ्थ आ जाता है, इट इज हटिंगटन्स कोरिया. Another disease is Huntington's chorea, जिसमें muscles develop नहीं होते, that is mainly deterioration हम कहते हैं, deterioration of voluntary muscles and nervous system. ठीक है, द बॉडी शेक्स अनकंट्रोलेबली. अनकंट्रोलेबल, उस शेकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हटिंगटन्स कोरिया में. ठीक है, एंड स्लोली लॉस ऑफ मेमोरी, ब्लर्ड स्पीच, समझ में नहीं आता, एंड हेलुसिनेशंस. कुछ का कुछ दिखाई देता है. ठीक है, ऐसे नहीं कि एकदम बच्चे को, बट स्लोली. दिस डिजीज मेनली अकर्स after age of about 25 years. उससे पहले ज्यादा पता नहीं चलता है. धीरे 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 मसल्स की डिटीरियोरेशन होती है और धीरे धीरे ये काम होता है. 25 साल के बाद बहुत ज्यादा डिटीरियोरेशन होनी शुरू हो जाती है. ठीक है जी. सो दीज आर ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन, राइट. ठीक है, तो ये लिखो और फिर हम आगे करते. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, सेक्स लिंक रिसेसिव जीन म्यूटेशन. तो फर्स्ट है
हीमोफीलिया। ब्लीडर्स डिजीज। इन दिस क्लॉटिंग फैक्टर एट नाइन और इलेवन इज नॉट फॉर्म। ठीक है, ड्यू टू विच क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक्स, वो तो जाती है धीरे धीरे करके, क्योंकि और भी कुछ चीजें होती है जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक्स मच मोर टाइम। ठीक है, फिर क्या करते हैं इन पेशेंट्स को बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर, जिनके ऐसी प्रॉब्लम हो भी छोटी सी भी चोट लगे तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि वो ब्लड क्लॉट कर जाए, ब्लीडिंग बंद हो जाए। इसमें क्या है, द म्यूटेटेड एलील और हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विद एक्स क्रोमोसोम। देयरफोर शो, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और क्योंकि रिसेसिव है इट इज मोर प्रोमिनेंट इन मेल। ये अभी हम देखते हैं कैसे। देन फीमेल, लेट अस से फॉर एग्जांपल ये फीमेल है ये मेल है, एक्स एच एक्स, दिस इज ए कैरियर, एक्स वाई, दिस इज नॉर्मल। यहां पे आप दो टाइप के गैमेट्स हो गए, एक्स एच एक्स, यहां पे तो बनने ही दो टाइप के थे। इफ दिस फ्यूजेस विद दिस ये हो जाएगा कैरियर फीमेल, ये इसके साथ एक्स एच वाई, इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी म्यूटेटेड है, देयरफोर इट इज हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल, एच है ये हीमोफिलिक मेल, दिस इज नॉर्मल फीमेल एंड दिस इज नॉर्मल मेल। ठीक है जी, तो हम क्रॉसेस थोड़ा सा करके देख लें फटाफट से कुछ। सेकेंड आ जाइए, अगर क्रॉस है ये फीमेल ये मेल, फीमेल है नॉर्मल मेल है हीमोफिलिक, देन फीमेल फॉर्म वन टाइप ऑफ गैमेट, मेल फॉर्म तो मेल ट्रांसफर्स इट्स जीन हीमोफिलिक जीन टू फीमेल टू डॉटर बट इट विल बी कैरियर फीमेल एंड दिस इज, अगर मदर नॉर्मल है तो सन हमेशा नॉर्मल होगा, नॉर्मल। ठीक है,
थर्ड कीजिए, फीमेल है कैरियर, मेल है डिजीज। अब ये आप करो जल्दी से, पहले ऊपर पर लिखो और फिर ये क्रॉस आप करो। दो टाइप के गैमेट्स है फीमेल में, मेल्स में भी दो टाइप के गैमेट्स है। इस एग का इस स्पर्म के साथ फ्यूजन हो XHXH, ये वाला एग, ये वाला स्पर्म XHY, दिस इज XXH एंड दिस इज X। ये जो है दिस इज नॉर्मल मेल, दिस इज कैरियर फीमेल, दिस इज हीमोफिलिक मेल, दिस इज हीमोफिलिक फीमेल। बट यहां पे ये याद रखना है कि हीमोफिलिक फीमेल जो है इट इज स्टिलबॉर्न। स्टिलबॉर्न का क्या मतलब होता है? डेड एट बर्थ। एज म्यूटेटेड एलील्स इन होमोजाइगस फॉर्म, इज लीथल। लीथल का मतलब जो डेथ कॉज करती है। तो इट इज फीमेल्स, कभी भी आप देखेंगे फीमेल्स में हीमोफीलिया नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर फीमेल्स में हीमोफीलिया है तो वो बचती नहीं है, वो मरी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो हीमोफीलिया किसमें मिलेगा? मेल्स में मिलेगा। और मेल्स में कब होगा? जब मदर कैरियर हो। इज इट ओके? ठीक है, तो हीमोफीलिया इज प्रोमिनेंट इन मेल, फीमेल्स में ये नहीं मिलते। मैम, हाँ जी मैम, लास्ट हाइब्रिड एक बार दोबारा स्पिन कर दो, वो कैसे? बेटा जो ये होमोजाइगस फॉर्म में अगर फीमेल दो म्यूटेटेड एलील्स फॉर हीमोफीलिया, ये कुछ ना कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन बनाती है जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। इसलिए जिस गर्ल चाइल्ड में ये होगा वो बर्थ के टाइम ही मरी हुई ही, मतलब चाहे वो बिफोर बर्थ थोड़ा मर जाती है या आफ्टर बर्थ, मतलब हम कहते हैं मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो दिस इज द केस। नेक्स्ट एक और स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना कि नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम थ्री टू सिक्स मिनट्स। ब्लड क्लॉटिंग टाइम इन हीमोफिलिक्स मोर देन वन आवर। हीमोफीलिया ए deficiency of factor 7, it is sorry 8, I'm sorry, deficiency of factor 8. Hemophilia B, deficiency of factor 9, and hemophilia C, deficiency of factor 11.
दिस हीमोफीलिया बी जो है बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस डिजीज और रॉयल डिजीज एज इट इज फाउंड इन चिल्ड्रन ऑफ क्वीन विक्टोरिया. Who maybe are, who may be the carrier. और क्योंकि क्वीन विक्टोरिया में नहीं था ठीक है और म्यूटेशन माइट अकर्ड इन द एग्स ऑफ विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया. उसकी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान या तो म्यूटेशन हुई या उसके फादर में म्यूटेशन हुई थी. क्वीन विक्टोरिया हरसेल्फ वाज अ कैरियर. अब हो सकता है पक्का नहीं पता कि या तो वो खुद कैरियर थी या उसमें म्यूटेशन हुई जिससे उसने क्या किया ये डिजीज आगे अपने बच्चों में पास किया. इज इट राइट? ठीक है करो. नेक्स्ट डिजीज एक बार ये भी समझ लो फिर लिख लेना अगर इसमें से कुछ रहता है. ये भी उसी की तरह से है. इट इज इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर्स. है ना ये आगे आ जाता है कि रेड ब्लाइंडनेस है. इसका मतलब है जो रेड कलर है वो भी ग्रीन दिखता है या फिर ग्रीन ब्लाइंडनेस है मतलब जो ग्रीन कलर है वो भी रेड दिखता है. ठीक है बट हमने इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना. ये है एंड इट कैन बी डिटेक्टेड बाय इशियारा चार्ट. एक कलर चार्ट्स होते हैं बड़े बड़े से उसमें सर्कल्स बने होते हैं डिफरेंट कलर के उनसे जो है ये डिटेक्ट किया जाता है. ठीक है ड्यू टू म्यूटेटेड एलील और एक्स क्रोमोसोम. तो अगेन वैसी ही बात है एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल एक्स सी एक्स फीनोटाइप नॉर्मल जेनेटिकली कैरियर कलर ब्लाइंड फीमेल और मेल में एक भी आ जाए देन इट इज कलर ब्लाइंड. ये नॉर्मल मेल सो दिस इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड. चलो कर लो पता.
तो बेटा जो यहाँ पे फीमेल्स भी प्रेजेंट है, ये भी मिलेंगे, राइट? कलर ब्लाइंड फीमेल, तो यहाँ पे लिख लो नीचे स्टार डाल के, इन द पॉपुलेशन बोथ कलर ब्लाइंड फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल्स आर फाउंड, इन ए पॉपुलेशन बोथ कलर ब्लाइंड फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल्स आर फाउंड, बट ऑब्वियसली देयर आर मोर नंबर ऑफ कलर ब्लाइंड मेल्स. मैम कुछ और से रिपीट कर दो प्लीज। देयर इज बेटा बोथ कलर ब्लाइंड मेल एंड फीमेल्स आर फाउंड, बट देयर आर मोर ऑफ कलर ब्लाइंड मेल देन फीमेल. मैम मेल ज्यादा कैसे होंगे? बेटा मैंने क्या बताया था, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ. अब ये तो मैंने बताया हुआ है कल, क्यों मेल ज्यादा होंगे, जल्दी से बताओ. कलर ब्लाइंडनेस में लिख लो, द कलर ब्लाइंड पीपल अदरवाइज हैव नॉर्मल विजन, अदरवाइज हैव नॉर्मल विजन. बट अब प्रॉब्लम आ जाती है बेटा जब ट्रैफिक लाइट्स पे मेनली, या बाहर की कंट्रीज में जाओ या चंडीगढ़ दिल्ली जैसी में चले जाओ, तो यहाँ ट्रैफिक लाइट्स उन्हें रेड रेड दिखेगी, रेड भी कई बार ग्रीन दिख सकती है या ग्रीन भी रेड दिख सकती है, तो फिर क्या करें, वो कैसे पता चलेगा, कौन बता रहा है मुझे? तो ट्रैफिक लाइट्स का कैसे पता चल जाएगा रेड ग्रीन का, दैट इज बाय द पोजीशन ऑफ द लाइट, रेड सबसे ऊपर है ग्रीन सबसे नीचे है, सब पता चल जाएगा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नाइट ब्लाइंडनेस. हर टाइप का डिजीज है, अनेबल टू सी ड्यूरिंग नाइट. दैट इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंड. टाइप्स जो है इसकी दो टाइप की है, एक है एक्वायर्ड, जो लाइफ टाइम में हमने की है एक्वायर अपनी गलतियों की वजह से, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, ठीक है, जिसकी वजह से नूरोडॉप्सिन इन रॉड्स, तो फिर कैसे दिखेगा, राइट? दिन में तो चलो कौन सा एक्टिव है, और एक है कंजेनिटल. हम कहेंगे रॉड्स नहीं है तो डे विजन कैसे है, तो वो कौन की हेल्प से हो जाती है. कंजेनिटल इज जेनेटिक एंड बाय बर्थ, इट्स म्यूटेटेड एलील ऑन एक्स क्रोमोसोम, सेम जैसे कलर ब्लाइंड है ऐसे लाइट ब्लाइंड. और एक आ जाती है बेटा ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. इसमें क्या है, नॉर्मली जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम फॉर्म्स अ प्रोटीन डिस्ट्रॉफिन, एक प्रोटीन बनता है डिस्ट्रॉफिन,
ये प्रोटीन क्या करता है, इट एक्टिवेट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन चलो ब्रेन एक्टिव हो गया. दिस ब्रेन सेंड न्यूरल सिग्नल्स टू मसल फाइबर टू रिलीज कैल्शियम. और ये कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. अब क्या हुआ, कि ये डिस्ट्रॉफिन बना ही नहीं. इसका सेकंड पॉइंट है जीन म्यूटेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम. जो डिस्ट्रोफिन की जीन है वो सबसे बड़ी जीन है एक्स क्रोमोसोम की. ठीक है, मैं अभी बताऊंगी, पहले हम ये समझ लें. तो नो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, नो रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मसल्स. मसल्स डू नॉट वर्क, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वर्क नहीं करेंगे. सेकेंड है एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन मसल्स, क्योंकि रिलीज तो हो नहीं रहे, यूज तो हो नहीं रहे कैल्शियम इन मसल्स, डिस्ट्रॉय एक्टिन एंड मायोसिन. और इससे क्या होता है, धीरे धीरे डिटीरियोरेशन ऑफ मसल्स. और धीरे धीरे क्या होता है, कार्डियक मसल्स भी अफेक्टेड है एंड स्लोली इट लीड्स टू डेथ ऑफ द पर्सन ड्यू टू यू नो. ठीक है, तो डिटीरियोरेशन ऑफ मसल्स है, तकरीबन मसल वीकनेस, इनएबिलिटी टू वॉक आफ्टर अबाउट 12 इयर्स ऑफ एज. ऐसा नहीं कि पहले तो भाग रहा था, 12 साल की एज के बाद बिल्कुल ही व्हीलचेयर पे आ गया, ऐसा नहीं. पहले भी बहुत ज्यादा वॉकिंग नहीं की, बट धीरे धीरे अपना गुजारा कर रहा था. बट 12 साल आते आते तक मसल्स इतने वीक हो गए, एक्टिन मायोसिन खत्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो बच्चा है वो वॉक ही नहीं कर पा रहा. फॉलोड बाय कार्डियोमायोपैथी एंड it leads to death. 18 साल 20 साल की एज तक बच्चे की जो है वो डेथ हो जाती है. राइट, अगेन दिस इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स. फीमेल्स का वही स्टिल बर्थ है. ठीक है, लेट अस से XBXD स्टिल बर्थ, XDX कैरियर, XDY डिजीज्ड मेल्स. ठीक है, तो दिस इज अबाउट मसल DMD, दैट इज ड्यूस्टीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी.
इज इट ओके? ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है दैट, यहाँ लिख देती हूँ, gene for dystrophin is largest gene in our cell. ठीक है जी, ये कॉपी वो भी लिख लो. Due to the dominant mutated allele, comma, the muscles are unable to relax completely. कॉन्ट्रैक्ट ही किए जा रहे हैं, है ना, रिलैक्स हो ही नहीं पा रहे वो. ड्यू टू विच, किसी जगह वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते हैं और किसी जगह वो रिलैक्स ही नहीं हो रहे हैं. ड्यू टू विच देयर डीजनरेशन स्टार्ट्स स्पेशली ऑफ फेस एंड नेक. Especially of face and neck. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं इसका होता है, बट धीरे 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 धीरे, इट्स ए स्लो प्रोसेस. ठीक है, बट ये चीज हो जाती है. इज इट ओके? दिस इज मस्कुलर दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. मैम एक बार शुरू से रिपीट कर देना. बेटा शुरू से आपने लिखा नहीं मुझे. A female whose father was hemophilic and mother normal marries with a person whose father was also hemophilic and mother normal. What is the percentage of a sons to be hemophilic? What is the percentage of their sons to be hemophilic? नेक्स्ट आ जाता है, अ कैरियर कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज विद ए कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस फीमेल या कैरियर फीमेल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, एक ही बात है. गेट्स मैरिड टू अ मेल हुज मदर वॉज कलर ब्लाइंड एंड फादर नॉर्मल. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ देयर नॉर्मल चिल्ड्रन? नॉर्मल में कैरियर नहीं आते हैं. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ देयर नॉर्मल चिल्ड्रन? नेक्स्ट आ जाइए.
ए नॉर्मल विजन्ड मैन हूज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज विद वुमेन whose father was also color blind. A normal visioned man whose father was color blind marries to a woman whose father was also color blind. They have their first child as a daughter. They have their first child as their daughter. What are the chances? I'm a doctor wala repeat kar. They have their first child as a daughter. What are the chances that this child would be colorblind? What are the chances that this child would be colorblind? चलिए जी ये करिए. First का आंसर था 50%, second का आंसर था 25%, और third का आंसर है 0%. मैम हाँ जी बेटा सेकेंड क्वेश्चन है तो उसमें नॉर्मल चाइल्ड पूछा है मैंने तो फिर नॉर्मल चाइल्ड तो मेल ही होएगा तो नॉर्मल फीमेल नहीं हो सकती ना. नॉर्मल फीमेल नहीं है ओके क्योंकि फीमेल कैरियर है फिलहाल यहाँ पर. यस ठीक है जी. सो दिस इज फॉर टुडे. आई थिंक एवरीथिंग क्लियर. किसी को नहीं आई तो मेरे से पूछो.